हे गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आलू की बहुत ही चटपटी सब्ज़ी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो प्याज, एक से तीन से चार लहसुन, एक हरी मिर्च, एक टुकड़ा अदरक का काट कर ले लिया है और साथ में ये एक टमाटर भी काट कर ले लिया है। अब क्या करेंगे, और साथ में ये एक चम्मच गरम मसाला भी ले लिया है। अब ये जो गरम मसाला है इसे पहले हम भून लेंगे। तो उसके लिए एक पैन को रख देंगे गैस पर, जब गरम हो जाए तो उसमें ये गरम मसाला डाल देंगे और साथ में ये एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच जीरा डाल देंगे और दो से तीन लाल मिर्च डालकर इसे हम मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। तो इस तरीके से मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे, गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इसे भूनते टाइम हमें ध्यान ये रखना है कि ये जलने ना पाए। तो अब ये अच्छे से भून चुका है और गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा ठंडा करके इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे और ये मैंने इसे बाउल में निकाल कर रख लिया है। अब उसी ग्राइंडिंग जार में लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी के। तो ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है। इसे भी एक दूसरे बाउल में निकाल कर रख लेंगे और इसी जार में हम वो जो टमाटर काट कर रखा है उसे भी ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, एक पैन रख देंगे गरम होने के लिए और उसमें तीन से चार चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। जब तेल गरम हो जाए तो उसके बाद इसमें एक चुटकी हींग डाल देंगे और हींग को ब्राउन कलर का हो जाने देंगे। इसके बाद इसमें हम वो मसाला डाल देंगे जो हमने ग्राइंड किया था। इसे मसाला जब आप डालते हैं ना तो गैस का फ्लेम एकदम लो रखिए, क्योंकि इससे छींटे आते हैं, उसे आप जल सकते हैं। तो बस उसके साथ ही इसे मिक्स कर लेंगे और उसमें टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे और दोनों को अच्छे से भून लेंगे। पहले मिक्स करेंगे, मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे टमाटर और ये जो मसाला है ये अच्छे से मिक्स हो जाए और इसे हमें एक मिनट तक भून लेना है। लो फ्लेम कर दीजिएगा इसे। तो ये देखिए अब उबाल आने लगा है। तो इसमें एक चम्मच सब्जी मसाला, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में ही बहुत थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से, जिससे जो सारा मसाला है वो आपस में अच्छे से मिल जाए। गैस का फ्लेम यहाँ पे मीडियम करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे। जब मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए तो गैस का फ्लेम लो कर दें और इसे कवर करके दो से तीन मिनट के लिए भूनने दें। और दो से तीन मिनट के बाद अब हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए लग तो रहा है मसाला भुन गया है। ये देखिए मसाला एकदम अच्छे से भुन चुका है, ये नीचे से एकदम आसानी से छोड़ दे रहा है। इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम क्या करेंगे, जो आलू बॉयल करके रखा है, मतलब हमें आलू बॉयल करके रखना है, मैंने चार से पांच आलू बॉयल किया है, उसे हाथ से मैश करके इस तरीके से हमें डाल देना है। अगर आप आलू की सब्ज़ी इस तरीके से बनाएंगे ना तो ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है और इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, क्योंकि आपको इसमें आलू पहले से बॉयल करके रख लेना है तो आलू को पकने में इसे टाइम नहीं लगेगा। तो बस आलू डालने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो सारा मसाला है वो आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस सब्ज़ी को आप कभी भी बनाकर खा सकते हैं, ये हमेशा उतनी ही टेस्टी लगती है। तो बस आलू को मैंने ये देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे जो हमने ग्राइंड करके रखा था शुरुआत में ही। ये मैंने डाल दिया गरम मसाला और साथ में ही अब हम डालेंगे नमक। मैंने यहाँ पे एक चम्मच नमक डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार से नमक डालें जितना नमक आप खाते हैं। और साथ में ही दो से तीन हरी मिर्च डाल देंगे काट के और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे लास्ट में डाला है, जिससे जो हरी मिर्च है वो पूरी तरीके से पके नहीं, वो टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप नहीं खाते हैं हरी मिर्च को, या तो मसाले में ग्राइंड कर लें या फिर आप तड़के के टाइम पे भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको इसकी ग्रेवी जो है वो थोड़ी सी थिक या फिर जो पतली रखनी है, उस हिसाब से आप पानी इसमें डाल सकते हैं। मुझे ये जो सब्ज़ी है ये थोड़ी थिक ग्रेवी के साथ पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर पानी कम डाला है। आप अपने हिसाब से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे पानी डालने के बाद और कवर करके दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पे पका लेंगे, जिससे पानी का कच्चापन दूर हो जाए। ये देखिए अब ये उबल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। और अब हम यहाँ पर कर देंगे गैस का फ्लेम बंद। ये मैंने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है और अब हम इसे सर्व करेंगे।
आप इस सब्ज़ी को रोटी, पराठा, पूड़ी और चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपका जो भी सजेशन हो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।